Producer, anchor, all in one. We also have Pia Valecha. एक बार जोर तालियां हो जाए. We have actress and मुझे तो अभी पता था, बाद में पता चला कि आरती जी बहुत बड़े मार्शल आर्टिस्ट भी हैं. आरती नागपाल जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए. ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो हमें पता है कि ज़्यादातर प्रेस के ही लोग हैं और इन सब के पीछे डॉक्टर खुशी गुरु भाई ठक्कर जी हैं. इनके लिए ज़ोरदार तालियां. इन्होंने बहुत टाइम निकाला है. आई ऑल्सो लाइक टू कॉल डॉक्टर गीत. डॉक्टर गीत प्लीज़ यहाँ पे आ जाएं, हम लोग कार्यक्रम शुरू कर सकें. और सबसे पहले आई ऑल्सो लाइक टू कॉल गुरु भाई ठक्कर, प्लीज़ कम एंड जॉइन अस सो वी कैन स्टार्ट द इवेंट. डॉक्टर गीत प्लीज़ कम. मिस इंडिया का फिनाले होगा आज. जो नौ गर्ल्स जो सेलेक्ट हुई हैं अभी तक ऑल ओवर इंडिया से, उन सबको हम आपसे रूबरू कराएंगे. और जब तक बाकी हमारे मेहमान आते हैं, खुशी मैम से पूछते हैं कि ये इस तरह का जो प्लानिंग था जिसमें एज लिमिट नहीं है, हमेशा से हिमांशु जी इज ऑलवेज बीन अ वेरी काइंड पर्सन टू बी सपोर्टिव. एंड जहाँ तक बात रही है परफेक्ट मिस, दिस टाइम इट्स नॉट गोना बी परफेक्ट मिस इंडिया, इट्स परफेक्ट मिस 2018. इट्स अ पेजेंट फॉर गर्ल्स जिसमें कोई एज बार नहीं है, कोई हाइट रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. तो इट्स लाइक एनीबॉडी हु फील दैट आई वांट टू वर्क ऑन द रैंप विल डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ इट. दे देमसेल्फ वुमेन देमसेल्फ आर स्मार्ट एनफ टुडे, उनको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं, वो वैसे ही सब कुछ कर लेंगे. तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जहाँ उनको एक मौका मिल रहा है टू शोकेस देयर टैलेंट. अब मैं पास करती हूँ आकृति जी से, शी इज वन ऑफ द वो फिल्म अब हम बहुत जल्दी रिलीज करेंगे. नवाब आरजू, ओके ओके, सो सॉरी नवाजुद्दीन ने नवाब आरजू, सॉरी. गुड इवनिंग एवरीवन. It is always a pleasure. मुझे कभी कोई भी अच्छे कॉज के लिए बुलाया जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई एम हम्बल कि खुशी ने मुझे इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए बुलाया है. हिमांशु जी इज़ ऑलवेज ब्रिलियंट, ब्रिलियंट पी आर ओ, ब्रिलियंट पर्सन, ब्रिलियंट ह्यूमन बींग. सो उनकी तारीफ करना मतलब आप सबको बताइए वो कैसे हैं. आज की शाम मुझे बुलाया गया है एंड आई जस्ट केम टू नो अबाउट द गर्ल्स, अबाउट द पेजेंट्स. जो लड़कियां हैं वो उनको कोई भी मतलब कोई देर इज़ नो बार टू बी ऑन स्टेज और टू विन द क्राउन. सो ये कंपटीशन एकदम फ्री है, इस पर्टिकुलर चीज़ पर बेस्ड है कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, तुम अपने आप को प्रेजेंट किस तरीके से करते हो पब्लिकली. सो दैट्स अ वेरी ग्रेट वे ऑफ एम्पावरिंग वुमेन, एक लड़कियों को इस तरीके से एनकरेज करना जो स्मॉल टाउन से आई हैं, ऑल ओवर इंडिया से इन्होंने सेलेक्ट किया है और उनको इतना करियर बूस्ट करना. इंस्टाग्राम से आई थिंक सो यू सिलेक्टेड ना, फ्रॉम द सोशल मीडिया, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. दिस इज सच अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर पीपल कि आप अपनी पिक्चर्स अपने घर में क्लिक करके अपलोड करते हो और आपको इस तरीके के पैजेंट्स सिलेक्ट करते हैं और आपकी ज़िंदगी का पूरा डायरेक्शन चेंज हो जाता है. दैट्स ब्यूटिफुल, दैट्स अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द पैजेंट्स, टू द गर्ल्स. और उनके सारे पेरेंट्स भी यहाँ पर आए हुए हैं. खुशी हैज स्पॉन्सर्ड द फैमिलीज एंड द पेरेंट्स एंड एवरीबॉडी. दैट्स अ ग्रेट एंड ब्यूटिफुल हम्बल जॉब. आई ब्लेस ऑल द गर्ल्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. आरती जी के लिए रोशनी आप क्या कहेंगे? I would say कि this generation on social media you see so many girls you know posting pictures every day as influencers inspiring other girls, kids, teenagers and you know every girl wants to be perfect. सब perfect बनना चाहते हैं but people forget that life is more important in other ways like mental health and everything. Because of being perfect, you lose so many things. And what she has done, you know, anybody can come, any age, any height. Height का तो सुन के मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि मेरी उतनी अच्छी height नहीं है. But it's a very good
social media selecting people, it's just a good cause jo logo ko bahut inspire karega. There is no such word as perfect. We make this word, we make people perfect by our own eyes. So it's a very good concept and all the best. Thank you. Sweetie ji, beti ke liye aap pehle taali bajaiye. I know. Actually, I'm completely smitten and mujhe samajh hi nahi aa raha ki main kya bolu, because she's spoken so well that I am left with no words. But I think she being 16-year-old, I think she understands what pressure girls are going through. You know, some girls are under so much of depression, suicidal attempts and everything. They don't want to mix around socially because they are fat or they are short or they're, you know, dark in color or something like that. So I think we definitely need to, you know, come forward and fight against all this and tell our kids, you know, try to be their friend, that whatever you are, you're beautiful. Because God has created beautiful people. Every human is so beautiful. I think we have to respect that. So I'll conclude it with Roshni saying that everybody deserves to be anywhere they want. So there cannot be any discrimination ki ye yahi ja sakta hai, ye wahi ja sakta hai. Khushi has definitely trying to change it, and that's why we are here with Khushi. We will always be with Khushi, Khushi Khushi, and with Himanshu ji definitely. Thank you so much. Achha, ye batai, Sweetie ji, माइक पास ऑन करने के पहले आपने वजन इतना कम कैसे कर लिया? वजन कम खुश, तो मेरी खुश ये तो मतलब एक्चुअली आप लोगों को स्टोरी बनानी चाहिए. मैं अपना नंबर दे दूंगी, बहुत लोग स्टोरी बना सकते हैं एंड वो खुद में एक इंस्पिरेशनल स्टोरी होगी तमाम औरतों के लिए जो सोचती हैं कि पतली लड़कियां टीवी पे छाती हैं. जब मेरा वजन 117 kgs था, मेरे पास इतना काम था कि मुझे मना करना पड़ता था, आई एम बिजी. आज मेरा वेट 65-66 होगा and I don't have work. They call me and they say, you don't look Punjabi anymore. Tu moti nahi hai, tu achhi nahi lag rahi, tu funny nahi lag rahi. Acha hero ki maa ke liye aajao. And I go and I check, tu hero ki maa nahi lag rahi. To ab main na bahut jawanon mein reh gayi hu, na boodho mein aur na patlo mein na moto mein. So I think it is a message to all the women ki jaise ho na, agar kaam mil raha hai to waise hi date raho. Meri tarah patle hone ka kabhi mat sochna. Pia, aapka kya kehna hai? Good evening everyone. वेल, डॉक्टर खुशी ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है. कोई भी, आई मीन एवरीथिंग इज टर्निंग डिजिटल, तो किसी भी, आप किसी भी बॉम्बे के या फिर किसी भी कंट्री के, किसी भी इंडिया के किसी भी लोकेशन पे आप लोग हो, आप यू कैन रीच आउट, यू कैन जस्ट कनेक्ट विद हर. एक ऑर्डिनरी पिक्चर से यू कैन बी अ बिलबोर्ड गर्ल. दिस इज सच अ ब्रिलियंट इनिशिएटिव शी इज टेकन. एंड बाकी सब कुछ तो सब लोग कह ही चुके हैं. आई थिंक हम सभी, जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी लड़कियां यहाँ पे प्रेजेंट हैं या जो पैजेंट के लिए पार्टिसिपेट करना चाहती हैं या कर रही हैं, आई थिंक आई वुड लाइक टू विश एवरीवन गुड लक. एंड थैंक यू सो मच हिमांशु एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर खुशी फॉर इनवाइटिंग मी. खुशी जी, थैंक यू फॉर अपीयरिंग जी ने आपको. गुरु भाई ठक्कर जी से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़, मैं उनका नाम मैं अनाउंस करना चाहूँगा. वी हैव रेडियो जॉकी विद एफएम रेनबो आरजे दिलीप सिंह, एक बार जोरदार ताली हो जाए उनके उनके लिए. वी ऑल्सो के लिए हंगामा टीवी पोगो के लिए उन्होंने बहुत सारा सॉन्ग ऑफ डोरेमोन के लिए उन्होंने गाना भी गाया है, तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा वो भी आए. आरजे दिलीप प्लीज का दिलीप जी, आप तो खुद भी होस्ट हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट के बारे में? सबसे पहले तो आप सभी का थैंक यू. आप सभी लोग यहाँ पे पहले से मौजूद हैं तो अच्छा लग रहा है, और ये जो इवेंट है इस पर मुझे बुलाया गया, इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ. और अभी मैंने एक इवेंट कंपनी ज्वाइन किया, उन्होंने मेरा PR हैंडल करना शुरू किया, तो डॉक्टर खुशी को थैंक यू और डॉक्टर गीत को थैंक्स कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया. और जहाँ तक बात है इस पेजेंट की, तो बहुत अच्छा है कि इस तरह के पेजेंट्स होने चाहिए, क्योंकि जो हाइट का और जो कलर का जो होते हैं कि हम गोल काले काले गोरे ऐसे लोगों का हम नहीं वहाँ पे ब्यूटी पेजेंट के लिए नहीं अप्लाई कर सकते. तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे गर्ल्स जो गाँव से हैं, जिनकी हाइट अच्छी नहीं है, जिनकी हाइट ज़्यादा नहीं है, जो काली है या फिर उनका कलर थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए. तो बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. आप लोगों का थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ऐसी पहल की. थैंक यू सो मच. दिलीप जी, नहीं एक से दिलीप भाई, लेकिन
जो आ रहे हैं उनका सम्मान तो करना है हमें कार्डो से। पारुल जी, आपने इतने सारे कार्टून के लिए वॉइस किया है, तो और इस इवेंट में आपको कैसा लग रहा है, क्या आपका एक्सपीरियंस शेयर करें? वैसे मैं ज़्यादा बच्चों के लिए काम करती हूँ, पर यहाँ पर भी जो सब है हमारे भी अंदर में कहीं छुपा हुआ, रूबरू होने का मौका दिया उन सभी का, हाथ जोड़ के तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक एक वॉइस तो सुनाना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे जैसे हमने उनसे वादा लिया एफएम पे इंटरव्यू का। एक मेरा सॉन्ग है डोरेमोन के लिए, मैंने एक टाइटल सॉन्ग गाया था वो मैं सुनाती हूँ। पर डोरेमोन में मैंने एक और कैरेक्टर किया था जो बच्चों के बहुत ही नज़दीक है, और आज से क्योंकि 15 साल पहले से मैं काम कर रही हूँ, तब हम सब भी मेरे ख्याल से कुछ तो बच्चे ही थे, अभी भी हम बच्चे ही हैं। तो वो मैं कुछ सुनाना चाहती हूँ, शिजुका की आवाज़, उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। स्पेशल क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे हर एज की लड़कियाँ होंगी, अलग हाइट है, अलग कॉम्प्लेक्शन होगा, तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा आपके लिए? एक ही लाइन में स्पेशल क्या करने वाले हैं 30th को, बिकॉज देर विल बी 2-3 राउंड्स ऑल्सो, तो उसमें ब्राइडल होगा, उसमें नॉर्मल लुक होगा, उसमें एक अपना परफॉर्मेंस होगा सारे आर्टिस्टों के, तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हेयर स्टाइलिंग और मेकअप में क्या होगा? सी वी एज एन एकेडमी इन लैक्मे, सो वी गिव अपॉर्चुनिटीज टू एवरी इंडिविजुअल टू गेट एन एक्सपर्टाइज ट्रेनिंग, बी इट टू हेयर, बी इट टू मेकअप, और बी इट टू कॉस्मेटोलॉजी, दैट इज योर स्किन केयर, योर हेयर केयर, your bridal makeup, we offer all these. So yes, I'm expecting a lot, and we have already worked together for like 3-4 events, so I'm really excited and looking forward to. Okay ma'am, thank you. तो ये किस तरह का आपके जो एम कैफीन है वो उसके बारे में कुछ बताइए, और how you are part of this event. So first of all, M Caffeine is India's first caffeinated personal care brand. Caffeine is a superfood for your hair and skin, which people in India are not aware of. With its extremely brilliant antioxidant and anti-inflammatory properties, it does wonders to your skin and hair. And we at M Caffeine believe that aaj ka generation sirf ek face wash ya sirf ek shampoo nahi choose karta hai. They choose what their lifestyle is. They choose their products which resonate with their lifestyle. And that is where we bring forward an exciting and bold brand to India. At M Caffeine, we follow 3 rules: be bold, be young, be confident. It is a brand for the women who are present here, for everybody who is bold, young, confident. We personally, we have vowed never to promote any fairness product or sell any insecurities, because we feel you are perfect the way you are. And we are delighted to be a part of this event where Perfect Woman is actually empowering and supporting thousands of women who are not encouraged in this platform in India, and it feels proud to be a part of this event. It's totally caffeine. Like we, when people ask that what is M Caffeine, it's nothing but you are caffeine, I am caffeine. The energetic you, the true you, the bold you, and I guess everybody present here is caffeine. Oh, zorda taliya ho jaye inke liye. When I was listening to them, I was actually thinking that this is the
audience, and we don't need anything else apart from them. Thank you. So sweet, so sweet. I would like to add on this particular thing. Sorry, I'm just taking 1 minute. Before this also, RJ, Rajesh, Dilip had come, and you also said, both of you mentioned the color, dark, kala hona. I don't know why this is the thing. Naomi Campbell is the world's number one top model, and she's dark. She's dark, and she's black coffee dark, and she's sexy. So black is really sexy. So ye jo dimag mein hai na, ye white and this whitening creams, it is only, I think so, in India based. She said, he said, everybody is saying, I don't support white. I support dark. I support dusky. That's, we are Whitish, and we are beautiful. We Indians are beautiful. Log marte hain hum par, tabhi jaake Priyanka ke saath mein Nick ne shaadi kiya. So very same, Naomi, she just become a face of NARS. Naomi, that's what I read, that she's become a face of NARS. So that's a real big achievement. So NARS is an international makeup brand, and she is the face of NARS. So when I was reading it, to be very honest, I was super proud. And like she said, I totally agree with her, Gora, Kala, I mean, kya hai ye sir, right? I mean, just love yourself. You know, mujhe gora hona hai. I loved when you said, na, when he asked you that, what is the statement you want to give, and you just said, be yourself. Kitna simple, choti si baat hai ki apne aap se pyar karo. Itni saadi si baat logon ko samajh mein kyun nahi aati? Hum yahan pe sab baithe hai na, ye sab ke sab apne aap se pyar karte tab yahan par baithe. If they don't love themselves, they would not sit over here. Yeah, I mean, that is the paramount. If you don't love yourself, you won't be able to reflect the love back. Exactly, and you yourself, you deserve to be pampered, self-pampered. Why do we need somebody to pamper us? For what? Right? We are independent women. Okay, we can pay our own mobile bills, we can pay a dinner, we can go for a beer, we can have so much of fun. So like, why? That was, yeah, I just wanted to share this one here. Nice to talk to you. Same here, thank you. Yeah. Perfect Miss India के साथ जुड़े हैं और ये जो event होने वाला है 30 तारीख को, तो उसके बारे में किस तरह के costume कुछ अगर आपने models जो पहनने वाली हैं उनके लिए कुछ design कर रहे हैं special, और आपके Haifa लिबास का main जो logo है, main जो style है, वो क्या है? Okay, so sir ke saath associate kiya hai because he is like a family friend, and itna acha kaam kar rahe hai sir, itna sab models jo bhi dusre states se hai, har jagah se hai, jinko matlab chance nahi milta to sir chance de rahe hai apne platform pe, aur bahut badi baat hai, bahut achhi baat hai. And hamara jo brand hai wo bahut like arabi style hai, gulf ka hai, like export in gulf countries. So the models will wear all the girls taste, and like they will look different, and I hope inshallah like we look good. Okay, thank you. I'm Dr. Rekha Gaur. I would definitely मैं अपनी बात बताऊंगी, लेकिन उसके पहले शायद जो बहुत important है, I think स्वीटी जी कह रही थी इशारों में, बता दो. I'm wife of रोहिताश्व गौर, जो आपके popular hero की भाभी जी हैं, भाभी जी घर पर हैं. हाँ जी. Let me clarify. वो ऐसे एक बात, मेरे हस्बैंड ऐसे छिछोरे नहीं है, बेसिकली नहीं है बहुत ज़्यादा. In Tata Memorial Center, basically cancer research institute, for as scientific assistant. And last year October mein maine voluntary retirement liya. I know no one leaves central government job, to milna bahut mushkil hai, fir jab aapki salary 1.5 lakh ke aas paas ho jati hai to chhodna bahut mushkil hai, lekin main wait kar rahi thi taki main apna samay apne ghar pe bachchon ko de sakun. Meri do betiyan hain, Kriti aur Santiti, aur bachpan se main social activities mein involved rahi hu. एंड शादी के बाद कल्चरल एक्टिविटीज में बहुत इन्वॉल्व रही, बिकॉज मेरे फादर इन लॉ ने विद बुल्ला सानी जी एंड मदनपुरी जी, ही स्टार्टेड ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन. दिस वाज फाउंडेड इन 1955.
ये बहुत कम लोगों को पता है क्योंकि इस तरह से हमने सोशल मीडिया पे कभी अवेयरनेस नहीं डाली, अब शुरू किया है। 1955 में ये एसोसिएशन फॉर्म हुआ था, उसके बाद से एवरी ईयर इन शिमला इन जून वी ऑर्गेनाइज ऑल इंडिया ड्रामा एंड डांस कॉम्पिटिशन। सो दिस ईयर इज गोइंग टू बी 64th एनुअल ऑल इंडिया ड्रामा एंड डांस कॉम्पिटिशन। सो वी कैरी ऑन दिस लीगेसी। इसके अलावा आपको मैंने बताया जैसे ये है, हमने रिसेंटली आर के इनिशिएटिव फाउंड किया है, रेखा एंड कविता टुगेदर, जहाँ पे हम बहुत से हेल्थ इश्यूज को लेके हमने, मतलब कहते हैं कि अवेयरनेस सबको है, हेल्थ अवेयरनेस, आई थिंक मेनी ऑफ देम यू ऑल ब्यूटीफुली ऑल स्पोक अबाउट थिंग्स लाइक यू नो यू हैव टू लव योर सेल्फ। तो वी ऑल नो कि हेल्थ इज सो इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज कुछ भी नहीं है, बट स्टिल वी इग्नोर इट, स्पेशली एंड इंडियन वुमेन्स तो इसमें नंबर वन पे ही है। सो हमने हेल्थ अवेयरनेस का शुरू किया कैंपेन, जहाँ पे हमने क्या कहते हैं रोड शो शुरू किया, हमने लिथॉन किया, लिथॉन वॉज दिस वॉज इंडियाज फर्स्ट बिल्ट इंडिया लिथॉन जो हमने ऑर्गेनाइज किया है, एंड वी वर गोइंग टू गो नेशनल नाउ। एंड कल्चर तो हम करते रहते हैं, डांस फेस्टिवल, ड्रामा फेस्टिवल, एवरीथिंग, बट उसके अलावा आई बीन ऑनर्ड टू बी पीस एम्बेसडर्स फॉर मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे मैंने बताया इंटरनेशनल पीस फेडरेशन है, वर्ल्ड पीस कमिटी है, वी हैव यूनिटी फर्स्ट फाउंडेशन, वी हैव GSFEN। सो बस ये है कि जितना हो सके मेरे पास समय हो जो मैं फैमिली के अलावा दे सकूँ, मैं वो दे रही हूँ जो मेरे बचपन से ही था और मैंने वो शुरू किया है। एंड आई एम ऑनर्ड, स्वीटी जी, आई मेट हर 2 years बैक इन ABP की पार्टी, तो शी वॉज डिफरेंट, नाउ शी इज वेरी ग्लैम गॉर्जियस, हाँ, शी लव्ड हरसेल्फ एंड शी, मैंने कहा कि स्वीटी जी ये आप क्या कर रही हैं, जो यंग होते जा रही हैं और जो यंगस्टर्स हैं, शी इज रियली चैलेंजिंग दैम कि ऐसे बन के दिखाओ। So I met her and I don't know how many of you all have seen her dancing. Believe me, agar ye dance karti hain to achho achho ki chhutti kar sakti hain. She's so 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 beautiful and so perfect. So wahan meri mulaqat hui and since then we are in touch and I'm honored with women empowerment bolii kuch bhi kahiye, I'm there for everything anytime. Thank you so much. Beech do aur khas mehman hain, Kiran Gulani ji, unse request karunga wo bhi hame अपना बेस्ट विशेस देने आए, और रामा सिंह जी जो आए हैं यहाँ पे टू विश अस ऑल द बेस्ट फॉर दिस पेजेंट, और उसी के बाद हम लोग, इन्होंने बोल दिया है ऑल द बेस्ट टू ऑल द कंटेस्टेंट, ऑल द बेस्ट टू ऑल द मीडिया एंड ऑल द जो जजेस हैं, वी मस्ट क्लैप फॉर द डॉटर्स मदर, यू नो शी इज ऑल डन अस प्राउड, थैंक यू। वुमेन एम्पावरमेंट बहुत जोर से चल रहा है, बाय। It's a shave-your product for all women especially and for men also we started. तो ये product क्या कर क्या कमाल करता है? Product के बारे में कुछ बताइए, product कमाल क्या करता है? It gives you proper shape. Okay, तो ladies का है ये department, तो मैं request करूँगा हमारे जितने भी जो guest हैं, guest of honor.